Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये सब होने से पहले एक मैडम मेरे पास आई तो दिव्या मैडम को उन्होंने घर का नंबर बताया और मुझे बोला कि उनके घर का रास्ता बताइए. तो मैंने बता दिया साहब. फिर साहब थोड़ी देर बाद देखा मैंने साहब छत की बाउंड्री पे खड़ी थी वो मैडम. तो हमने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की पर साहब वो हम लोग की बात ही नहीं सुनी उन्होंने और फिर छत से कूद गई साहब. ये जो दूसरी मैडम यहाँ गद्दे पर गिरी थी उसे यहाँ पहले कभी देखा है? नहीं साहब, उनको आज पहली बार देखा. नहीं सर, हमें तो सपने में भी कभी ख्याल नहीं आया कि दिव्या कुछ ऐसा कर सकती है. हमारी जानकारी में तो कोई परेशानी थी नहीं. फिर भी क्यों उसने? अच्छा दिव्या के साथ जो दूसरी लड़की थी जिसने सुसाइड करने की कोशिश की वो कौन है? हमने उसे पहले कभी नहीं देखा सर. ये दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स जिसके मुताबिक तुम दोनों की बातचीत होती थी. अब तुम सच बताओगे तुमने झूठ क्यों बोला या हम अपने तरीके से गोलवाएं? नो सर, वहां पे मम्मी खड़ी थी इसलिए मैंने झूठ कहा. ये सच है कि हमारी बातें होती थी सर, लेकिन आई स्वर मुझे ये मालूम नहीं था कि उसने सुसाइड किया है. मैं तुम्हें सच बताता सर. सच बोलने का एक और मौका दे रहा हूँ तुम्हें. सुसाइड करने से पहले दिव्या ने तुम्हें फोन किया था, क्या बातचीत हुई थी तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं सर, एक्चुअली दिव्या का फोन अर्ली मॉर्निंग आया था. मैंने फोन उठाया लेकिन आवाज नहीं आया इसलिए मैंने काट दिया. मैंने सोचा कि बाद में उसे फोन कर दूं. तुम्हारा फोन हमने चेक किया, कॉल हिस्ट्री डिलीटेड, मैसेज डिलीटेड, सोशल मीडिया अकाउंट सब डिलीटेड. अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो फिर डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मुझे फोन में कुछ रखना पसंद नहीं है इसलिए. आराम करना चाहता था, मैंने उसे कमरे में छोड़ा. मुझे माफ करना, मैं जो कर रहा हूं उससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी. अब वो सिर्फ दूसरी लड़की जो हमारी मदद कर सकती है. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो है तो है कहां? सर हमने अनन्या के मोबाइल के थ्रू कुछ मैसेजेस रिकवर किए हैं जो उसने इंटरनेट मैसेजिंग ऐप के थ्रू दिव्या और अक्षत को भेजे थे. लेकिन इन मैसेजेस को पढ़ के साफ पता चलता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में थे और उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी को बड़ा अमाउंट देना था. लेकिन इनमें से कोई भी उस अमाउंट को अरेंज नहीं कर पा रहा था और इसलिए इन लोगों ने सुसाइड करने का डिसीजन लिया. इसके अलावा और कुछ? यस सर, एक इंटरनेट कॉलिंग ऐप के थ्रू इन लोगों को बार बार कॉल किया जाता था लगभग हर हफ्ते और उस लैपटॉप का आईपी एड्रेस भी हम ट्रेस करने में कामयाब हो गए सर. और हमने उस आईपी एड्रेस की मदद से उस जगह का भी पता लगा लिया जहाँ पर उस लैपटॉप को यूज़ किया जाता था. उसका एड्रेस ये है सर.
मैडम, आइए हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाई भाई, पुलिस आ गई भाई। भाई मैं क्या बोलता, इसको फेंक देते भाई, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा भाई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन शाश्वत के बहुत इंसिस्ट करने पर मैं उसके साथ पार्टी में जाने को राजी हुई थी। वहां पहुंचकर कुछ ही देर में मुझे एहसास हो गया कि वो पार्टी हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी। वहां हर कोई सिगरेट पी रहा था, शराब पी रहा था, ड्रग्स भी ले रहे थे। वहां मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले गया। फिर वो मुझे किस करने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने उसे धक्का दिया और खुद को संभालने के लिए एक कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर पार्टी से निकल रहे थे, वहां के ऑर्गेनाइजर ने हमें रोक लिया। अरे आप लोग पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे, जा रहे हो? सर एक्चुअली सुबह कॉलेज है इसलिए। कोई बात नहीं, हमारा एक फीडबैक फॉर्म है, वो आप भरते जाइए। क्योंकि वो उस पार्टी के फीडबैक जानना चाहते थे ताकि वो उस पार्टी को और बेहतर बना सके। उसके बाद वो हमें एक रूम में ले गए। हेलो, कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप लोग, तब तक मैं फीडबैक फॉर्म लेके आता हूँ। हम तीनों ने वो कोल्ड ड्रिंक्स पी और जैसे ही वो पिया हमारी आंखें भारी होने लगी। जैसे ही उठे तो सुबह हो गई थी और हम लोग ने देखा हमारे बदन से कपड़े गायब थे। इससे पहले कि हम समझ पाते कि हमारे साथ क्या हुआ है, वहां के ऑर्गेनाइजर आए और उन्होंने हमें बताया कि ऐसी हालत में उन्होंने हम तीनों की फोटोज और वीडियो निकाल ली है। फिर उन्होंने धमकी दिया कि अगर हम तीनों ने उन्हें 2-2 लाख रुपए नहीं दिए वो हमारी फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। सर प्लीज प्लीज प्लीज, एक ही बार ऐसा मत करो ना सर। और वो डॉक्टर जिसके साथ तुम उसके घर में रह रही थी, उसका इस कहानी में क्या रोल था? वो डॉक्टर भी उस ऑर्गेनाइजर के लिए काम करता था, उसके बिहाफ में हमसे बात करता था, हम पर प्रेशर डालता था, पर तब भी हमसे पैसे अरेंज नहीं हो पाया। हम तीनों ने बहुत कोशिश की लेकिन 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर वो डॉक्टर ने 1 महीने की और मोहलत दी खुद को और घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम सुसाइड कर लें। और उसके बाद तुमने और दिव्या ने बिल्डिंग से एक साथ छलांग लगा दी, लेकिन तुम हॉस्पिटल से अचानक गायब कैसे हुई, क्यों? सर मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे ले जाया गया था और डॉक्टर आया था मेरे रूम में और उसने मुझे धमकी दी अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरी फोटोज अपलोड कर देगा। फिर उसने मुझे वो बुरका दिया, मैं मजबूर थी इसलिए वो बुरका पहनकर मैं चुपचाप उसके साथ चली गई। और उसके बाद वो डॉक्टर तुम्हें घर पे लेके गया लेकिन तुम वहां से भी भाग निकली, तो फिर उसे मारा किसने? मैंने। देखो तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन जो दिव्या और अक्षत ने किया वो भी ठीक नहीं था। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं,
लेकिन उसे घबरा कर परेशान होकर जीवन से मुंह मोड़ लेना ये कोई रास्ता नहीं है। इसको कोल्ड ड्रिंक खिलाना चाहिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।